जिज्ञासु हो, आज मैं आपके समक्ष साप्ताह राशि भविष्य का जो क्रम चल रहा है तदनुसार कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह है दिनांक 17 से 23 तक ये सप्ताह कैसा रहेगा, क्या अच्छा कन्या राशि वालों के लिए होगा, क्या बुरा होगा कन्या राशि वालों को, ये गोचर ग्रहों के अनुसार मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से कन्या राशि वाले संकोची स्वभाव के होते हैं, ये अपनी बात किसी से करते हैं तो धीमी गति से करते हैं, लेकिन बहुत गहरी अंदर इनकी गहराई ज़्यादा होती है, मन की बात को कोई परख नहीं सकता है, हैं? और धीमे काम करना, धीमे चलना, धीमे बोलना, ये इनके स्वभावगत स्थिति होती है, लेकिन कर्मठ और क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, उसमें आलस नहीं रहता, ये निर्भीकता से काम करने वाले होते हैं, ये उनके व्यापारिक और व्यवहारिक बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है। तो कन्या राशि वालों को ये सप्ताह कैसा रहेगा तदनुसार मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। कन्या राशि वालों को ये सप्ताह भाग्य वृद्धि से पूर्ण होकर के भी बीच में छोटा सा एक विपरीत दिशा बन सकती है, बाकी बहुत अच्छा है, समय मिला जुला फल देने वाला है। इस सप्ताह में कन्या राशि वालों के लिए संतान से संबंधित कष्ट का समय आ सकता है, संतान के रखरखाव में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके भरण पोषण में, उनकी लालन पालन में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है और प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। जहां आपका प्रेम संबंध चल रहा है उसमें दूरियां हो सकती हैं, मानसिक या फिजिकली दूरियां हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। संतान से संबंधित कष्ट के साथ साथ में प्रेम संबंधों में खटास होना ये इस सप्ताह में कन्या राशि वालों के लिए दिख रहा है। साथ साथ में भाग्य के वृद्धि का जरूर समय है, भाग्य अचानक कहीं जो बने बिगड़े हुए कार्य वो बन जाएं, इस सप्ताह में बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे, धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक प्रसंग उत्पन्न होंगे, धार्मिक कार्यों में जाने का योग बनेगा और धार्मिक कार्य स्वयं ही अच्छे मनोवांछित फल को देने वाले होंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी, मांगलिक कार्यों में आस्था रहेगी, विश्वास होगा और उपस्थिति देने का योग भी चल रहा है धार्मिक, और अच्छे मार्ग से लाभ होगा, जो आप परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल इस सप्ताह मिलने वाला है, जो आपने पहले जो कार्य किया है उसका पैसा नहीं मिला उसका फल इस सप्ताह में मिलने वाला है। इस सप्ताह आपको लाभ का योग, जो आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है ये निश्चित है। साथ साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सब प्रकार का आनंद रहेगा, स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं रहेगी, अगर किसी का जो पहले से बिगड़ा हो वो भी सुधर जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा और आपका व्यक्तित्व सुधर जाएगा। जब स्वास्थ्य सुधरता है तो व्यक्तित्व सुधरता, जो व्यक्ति सुधरना उसको कहते हैं, जहाँ जाता है व्यक्ति, जिससे जो बात करता है उस बात के ऊपर लोग विश्वास करें, यही व्यक्तित्व का लक्षण होता है। साथ साथ में कुटुंब का थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, कुटुंब से संबंधित तो परेशानी हो सकती है या वृद्धजनों को कष्ट होगा, परिवार में जो वृद्धजन हैं उनको कष्ट हो सकता है, आपकी वाणी में जरूर स्वाद बिगड़ने वाला है, वाणी से आप कुछ कटु शब्द बोल सकते हैं जिससे आपका विवाद के कारण बन सकता है कुटुंब में, इसका विशेष ध्यान रखना है और आँख में चोट चपेटने से लगने से भी सावधान रहना है। इस सप्ताह में ये कन्या राशि वालों के लिए इस समय चल रहा है। साथ साथ में दाम्पत्य जीवन जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है और ज़्यादा ही खराब हो सकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह में बिगड़ा हुआ दिखेगा, पत्नी से मतभेद हो जाए, पुरानी रंजिश जो है सो उखड़ करके आ जाए, पुरानी बातों पर लड़ेंगे और कर्म क्षेत्र में जो तत्पर हैं, दैनिक आय कर रहे हैं, दैनिक आय के स्रोतों में एकदम अचानक कमी आ जाए, अवरोध हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। साथ साथ में
आपके जो है सो दाम्पत्य जीवन की खराबी होने के साथ साथ में आपका जो रोग शत्रु है, शत्रुओं की बाधा आपको, बलिष्ठ शत्रु हैं उनकी बाधा आपको आ सकती है। बलिष्ठ शत्रुओं से तात्पर्य होता है जो बलवान शत्रु हैं उनसे होता है। और साथ साथ में आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपका व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में आपको वृद्धि के योग हैं, व्यापार में सिद्धि प्राप्त होगी, नया व्यवसाय खुलेगा और व्यवसाय में लाभ भी होगा, व्यवसाय का लाभ होगा। शासन से संबंधित भी कोई रुकावटें होंगी वो भी आपकी दूर हो जाएंगी, गवर्नमेंट से रुकावटें आपकी दूर होने का योग भी चल रहा है। साथ साथ में आपके आयु की वृद्धि का योग है, आयु के जो वृद्ध जन हैं उनकी आयु में कोई कमी नहीं रहेगी, सब प्रकार से श्रेष्ठ रहेगा। इस सप्ताह में कन्या राशि वालों के लिए समय सबसे ज़्यादा खराब एक दिन का है, वो है 21 तारीख। 21 तारीख को आपको सावधानी से चलना है, कहीं चोट चपेट लग जाए, अचानक मन मलिन हो जाए अथवा किसी का शोक समाचार मिल जाए जिससे आपको मन में और हृदय में कष्टदायक समाचार हो, ये भी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सबसे अच्छा क्या रहेगा कि कन्या राशि वालों की यह सप्ताह भाग के संबंध में अच्छा रहेगा और भाग का वृद्धि होगी। मंगल कामना करता हूँ कि कन्या राशि वालों के सप्ताह एक उत्तम व्यतीत करो, ऐसा हरि इच्छा, हरिओम।